का जो ये जो पप्पू नला पप्पू ब्रिज है और यूपिया तिनियाली ए सेक्टर तक का लिए थोड़ा बहुत वहाँ हर समय में तकलीफ देता है। तो क्योंकि इसलिए हमने कहा कि हम शुरू से कहा सड़क बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और अच्छा सड़क बनने का होगा टाइम लगता है। और इस समय में आप लोग को तो सभी को मालूम है कम से कम ये 2 महीना में तो वर्षा बिल्कुल चूता नहीं, धूमधाम वर्षा दिन रात आया। तो इसमें हम लोग कॉन्ट्रेक्टर को भी बहुत ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है। तो इसी तरह उसी में ये जो चौथा से एरिया में, क्योंकि हम सबसे पहले हम हमेशा कहता हूँ आपको हमको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और हम बार बार बोलता है जहाँ 4 लेन है वहाँ 6 लेन बन के घुस जाता है। और जब से ये प्रॉब्लम आने से हम एज ए ईटानगर का विधायक है हम भी बिल्कुल लाइन में लगा रहता है। तो यहाँ से ऑटो चला जाता है, यहाँ से टैंकर चला जाता है, कोई मन मर्जी 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में लगा देता है, वो जाकर फंस जाता है। और कोई कोई लोग जानबूझ कर करता है, हम मैं हूँ इस टाइप का मतलब दिखाने का कोशिश करता है। ये जो है आप हम जब तक डिसिप्लिन में नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम होते रहे। और इसीलिए हम तोरपिक का जो एसपी है डीसी साहब से भी हमारा एक रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल आदमी को सुधारना ही है। और आदमी कब सुधरता है? जब झटका मिलने से सुधरता है। जब एक बार रास्ता में अगर छिलो होकर गिरेगा, गिरने का बाद कपड़ा जब गंदा होने का बाद तब सोचता है कि मैं अच्छा से देख के चलने से टिकता, तो आदमी ध्यान देता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है हम तोरपिक एसपी से भी, ईटानगर का जो एसपी से भी, डीसी साहब से भी, नाहरलगुन का ईएसए से भी मेरा एक अनुरोध होगा 9 बजे से लेकर वहाँ 10-11 बजे तक यूपिया तिनियाली से लेकर, और आईजी डीआईजी सभी से हमारा रिक्वेस्ट होगा एक पुलिस फोर्स कम से कम 20-25 30 मीटर 40 मीटर में लड़का लोग को दे देना है। जो 3 लाइन में आता है 4 लाइन में आता है 5 लाइन में आता है उसको वहीं फोटो खींचो। आप आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, फोटो खींचो गाड़ी नंबर, हाँ खींचने के बाद चालान काट दो, हाथ में चालान पकड़ा दो, उसको यूपीआई भेज दो। समझ गया होगा आप लोग? नहीं हो जो बुरुम से जो बुरुम ब्रिज से जो एलिपिल निकलता है और एलिपिल का जो हो पोर्शन जो है रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया एकदम, उसमें हमेशा उसमें कारपेटिंग करता है वो बहुत गदा गुदी हो गया, मतलब वो जो चौथा गाड़ी जा नहीं सकता है, ये वर्षा में इतना बड़ा बड़ा गदा हो गया। तो उसको जो है उन लोगों ने डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यू दी। देखो इसलिए हमने बोलता है कि अब काम करो तो गाली, काम ना करो तो भी गाली। तो उसको सभी ने कहा कि ये बिल्कुल रास्ता ख़राब हो गया, इसको आप जल्द से जल्द बनाओ। और आप सीसी पेमेंट रोड में जो बनाने जाएगा कम से कम उनको ये करने के लिए काम करने का बाद कम से कम उनको 20-22 दिन लगता है उसको, उसका ऊपर में गाड़ी चला नहीं सकता है। तो ये जो है उन लोग जो है 1 लाइन का उन लोग वहाँ बनाने शुरू कर दिया और वो 1 लाइन बन भी गया, तो वहाँ 1 लाइन का मतलब खुला हुआ है। तो इसीलिए बोलता है कि अगर हम लोग नियम को फॉलो करके जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर नियम को फॉलो करके नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा आपको हमको आएगा। क्योंकि ये जो है जैसे ऐसे एक चीज़ नहीं है कि उतार के सीधा इसको हटा के ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को आप हम समझना पड़ेगा, सूझबूझ में काम लेना पड़ेगा। जब वो काम कर रहा है तो वहाँ तोरपिक होगा, और जब काम नहीं होता है तो तब हम लोग गाली देता है, आप गाली देता है, हम गाली देता है, डिपार्टमेंट को गाली देता है, सब गाली देता है। आप काम करने से भी गाली, काम नहीं करने से भी, और काम नहीं करेगा तो ख़राब होगा ही होगा। तो उसको अच्छा करने के लिए तो आपको कुछ समय
देना तो पड़ेगा। सर आज का मीटिंग का कुछ प्रॉपर रेजोल्यूशन तो मीटिंग का है, आज का मीटिंग का हो ही है कि और आगे इसी तरह की और ना हो ना होगा हाँ। आज का जो मीटिंग आज का मीटिंग में वही डिसीजन लिया है कि इसी तरह की नहीं होगा, वो जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा उन लोग काल परसों से उसको सुधारने का कोशिश करेगा। किसे सुधारेंगे सर, किसे सुधारेंगे आप अगर हमें बोल सके तो? सर उसमें स्टेप बाय स्टेप जो देखो लाइन मेंटेन करके हाँ, एक लाइन देता है तो एक लाइन में, दो लाइन देता है तो दो लाइन में, अगर आप हम मेंटेन करके नहीं जाएगा तो कैसे सुधारेगा? ऐसे करके तो सुधारना पड़ेगा, वहाँ दो लाइन जाने का जगह में अगर चार लाइन घुसेगा तो कैसे करके आप सुधारेगा? आप बताइए, अभी आप 10 केजी बुक सकता है, अगर आपको अगर 80 केजी अगर आपका पीठ में बुक के चलो बोलने से आप बुकेगा? आपको भी नहीं बुक सकता है। तो आप लोग का मतलब मीडिया भाई लोग, आप लोग से हमारा हमेशा वही अपील है कि आप लोग भी इसमें समझने का कोशिश कीजिए, आप लोग भी जनता को कम से कम समझाने का कोशिश कीजिए। और हम लोग हमेशा चाहता है कि सर लेकिन पानी जो है यहाँ का विधायक होने का नाते हम चाहता है कि कोई माँ कोई बाप का कोई बहन कोई भाई जाते हुए तकलीफ ना हो। वही सर हाँ, कहीं रोड दिखाई नहीं दे रहा था क्या सर? इतना खराब रोड है सर, तो सर इसको किसी को नजर कैसे नहीं आया सर? आप जैसे कह रहे हैं कि हर कोई का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जनता को भी अपना जो है जो रास्ता पे जब ट्रैफिक है उसको अच्छा से लेन को फॉलो करते हुए चलना है, लेकिन सर जो इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं सर उसके सर कौन सोल रिस्पॉन्सिबल है सर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी कॉन्ट्रेक्टर जो है आज डीसी ऑफिस में आया था, मेरा आते समय हम आया था कि असली दूसरा मीटिंग। इसके अलावा तो, सर आप क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे आज से किस तरह उसमें थोड़ा समय के लिए मुझे भी पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिला, तो कॉन्ट्रेक्टर का उनका जो मैनेजर आया था कि तो उनको हमने हमने सामने में हमने रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी गड्ढा वगैरह है और मेंटेन कीजिए, और डीसी साहब तो वही बोला कि 15 डेज का अंदर में उसको कारपेटिंग करना है, जो पप्पू गिरी से लेकर रुपया तीन आली तक कारपेटिंग करना है। तो कारपेटिंग करने के लिए अगर वेदर अच्छा होगा तो जरूर हो करेगा बोला, कारपेटिंग करके देगा बोला, अगर वेदर अच्छा नहीं होगा कारपेटिंग करके कोई फायदा नहीं। जैसे आज करेगा रात में उभर के आएगा, अगर इसी तरह की अगर वेदर अच्छा होगा 15-10 डेज अगर वेदर अच्छा होगा तो कॉन्ट्रेक्टर इश्योर किया कि वो कारपेटिंग जो जो जहाँ जहाँ उन लोग का जो 4 लेन का जो मिट्टी मिल गया और उन लोग को ऑलरेडी चिप डाल के रखा है वहाँ कारपेटिंग कर देगा बोल के और कमेंट करके किया है वो हम सुना। आप मीडिया चोर का आप कॉन्ट्रेक्टर करके देखिए तब तो आपको पता चलेगा कि कारपेटिंग और वर्षा में क्या फर्क पड़ता है, आप तो पता चलेगा। जैसा कि आप चाहता है कि कारपेटिंग होना है और कारपेटिंग ऐसी चीज़ है कि थोड़ा से पानी में अगर जम हो गया वो कारपेटिंग उभर के आता है, तो ये चीज़ जो है और टेक्निकल आप बेहतर हमसे बेहतर आप इंजीनियर लोग को पूछने से इससे अच्छा अच्छा एक कॉन्ट्रेक्टर था और मैं क्लास 1 कॉन्ट्रेक्टर था, ये 16-17 ईयर्स में क्लास 1 कॉन्ट्रेक्टर था, ये मैं मानता हूँ इंजीनियर नहीं है, आप इसको गलत मतलब फोकस ना कीजिए। इसीलिए मैं जो पेमा खांडू का जो सरकार में उनका चीफ मिनिस्टर का अंतर्गत मैं आज जितना भी ईटानगर का जो जितना भी गली है सेक्टर कॉलोनी है गांव है हम सीसी पेमेंट में कारपेटिंग को हम बिल्कुल छोड़ दिया। अब देखिए मैक्सिमम आप कॉलोनी सेक्टर का जो कारपेटिंग रोड है हमने बहुत करके देखा है, साल में हम दो बार करके देखा है उगड़ जाता है, और जैसे बना के जाता है वर्षा आता है उगड़ जाने का बाद फिर वो पीछे से गाली देता है ये कॉन्ट्रेक्टर और लीडर मिल के खा दिया बोल के बोलता है। इसलिए और मैं उस खाने पीने वाला में से थोड़ा बहुत मैं थोड़ा ये सब में से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं ईटानगर का यहाँ पैदा होने का नाते यहाँ का जो एक जन्म होने का नाते है, क्योंकि हम लोग का बाप दादा ने फ्री ऑफ कोर्स में इस कैपिटल को बनाने के लिए दिया है, और उसका बेटा होने का नाते हम भी चाहता है कि यहाँ कैपिटल में हर जन जात जो बेटा है उनको अच्छा रास्ता मिले, अच्छा सड़क मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा लाइट मिले, अच्छा ब्रिज मिले, हम भी चाहता है, और इसीलिए हम दिन रात उसमें लगा रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा ये जो कारपेटिंग
बाला जो रोड को छोड़ के सीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि आज हम 4-5 साल से 7 साल से आप हमको जो भी पैसा देगा, धनराशि देगा, हमको सीसी पेमेंट रोड में देना है। और वो आज तक देते आया और आप लोग को मिला होगा। हर सेक्टर, हर कॉलोनी में जब हम एमएलए नहीं था उससे आज का समय तक का आप लोग को देखा होगा। कम से कम आप लोग वो जो आधा किलोमीटर जाम को लेकर आप लोग इतना हमको बोलता है, पूछता है, और हर सेक्टर में जो हर कॉलोनी में हमने इतना अच्छा अच्छा रोड बनाया, सीसी पेमेंट रोड बनाया, वो तो आप लोग देखा होगा। तो इसीलिए मैं आज भी बोलता है कि वो जो मैक्सिमम हम हर सेक्टर कॉलोनी का सीसी पेमेंट में ही बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकी का ब्रिज का क्या अपडेट है, क्योंकि वो अगर ब्रिज जल्दी बन जाता है तो ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत कम हो जाएगा शायद से, तो उसका सर क्या अपडेट है थोड़ा बता सकेंगे आप? जरूर जरूर बता दूंगा। लही का शायद ये 1.5-2 महीना में लही का शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ऐसा है, जैसे आप लोग मेरा भाई है, बहन है, बेटी समान है और बेटा समान है। क्योंकि हम ये कहना चाहूँगा कि लही का जो ब्रिज है वो रेलवे डिपार्टमेंट का है और उसमें हम लोग ज़्यादा दहल अंदाज नहीं कर सकते। आज तो तक कर देना चाहिए, कल बना देना चाहिए, हम लोग बोल नहीं सकते। वो एक जैसे नेशनल हाईवे है, जैसे कि अभी पोपनोला से लेकर बांदरद्वा तक टेंडर होता भी बाहर में दिल्ली में होता है, भारत सरकार का अंदर में होता है, और वो कॉन्ट्रेक्टर भी जो कॉन्ट्रेक्टर ले मतलब काम लेता है वो भी आता नहीं, और यहाँ जो है सब कॉन्ट्रेक्टर देता है, सब कॉन्ट्रेक्टर देता है। तो वो जो है सब कॉन्ट्रेक्टर करने में, फिर ऐसे बोलने से आप लोग फिर नाराज होगा, उसका एक सिस्टम है, हमको इस साल में कितना परसेंट काम करना चाहिए, 30%, 20%, 50%, क्योंकि वो 2-3 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो इस हिसाब में भी उन लोग काम करता है। क्योंकि ये हम इसलिए कहता है कि हम एक एक्स कॉन्ट्रेक्टर था, ठेकेदार था, इसलिए आप लोग को हम बताता है। तो ऐसे बोलने से कोई कोई नाराज होता है। मेरा ख्याल अगर हुई दर अच्छा होगा जरूर ये जो हम लोग का जो पप्पू ब्रिज से लेकर और यूपिया तिनाली तक का वहाँ तक कार्पेटिंग बहुत जल्द होगा, और बहुत जल्द होगा, लेकिन होने का बाद में भी अगर हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, जब तक हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, अब हम नहीं मेंटेन करेगा, ये प्रॉब्लम आते रहेगा।